हेलो फ्रेंड, दिस इज रानी शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 5 व्हाट बुक्स एंड वरियल टेल अस। यानी कि आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे कि किताबें क्या कहती हैं हमसे, किताबें और कब्रें। तो आज हम किताब और कब्रों के बारे में पढ़ेंगे कि वो हमसे क्या कहती हैं। चूँकि आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स कहानियों की तरह होती हैं, तो यहाँ भी हम एक कहानी की तरह ही पढ़ेंगे। मैरी इन द लाइब्रेरी। तो ये मैरी नाम की बच्चा है, लाइब्रेरी में एक दिन क्या होता है उसके साथ, चलिए देखते हैं। और एज द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजी तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉलो हिम। शिक्षक ने बच्चों से कहा कि वो उनको फॉलो करें, उनके पीछे आएं। बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम। क्योंकि वो पहली बार लाइब्रेरी जा रहे थे। व्हेन मैरी स्टेप्ड इनसाइड, जब मैरी अंदर घुसी, शी फाउंड दैट द लाइब्रेरी वाज मच लार्जर देन देयर क्लासरूम। उसने देखा कि लाइब्रेरी तो उसके क्लासरूम से बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। एंड देयर वाज सो मैनी शेल्फ्स, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अलमारी हैं, ऑल फुल ऑफ बुक्स, जो कि सभी किताबों से भरी हुई हैं। इन वन कॉर्नर वॉज अ कपबोर्ड फिल्ड विथ लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स, और एक कॉर्नर में बहुत ही भारी भारी किताबों से भरा हुआ एक और अलमारी है। सीइंग हर ट्राइंग टू ओपन द कपबोर्ड द टीचर सैड, और मैरी को उस कपबोर्ड यानी अलमारी को खोलने की कोशिश करते देख टीचर ने कहा, दैट कपबोर्ड हैज़ वेरी स्पेशल बुक्स ऑन डिफरेंट रिलीजियंस। यानी कि ये जो अलमीरा है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो विभिन्न धर्मों की हैं, ठीक है, रिलीजन्स। डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ वेदास, क्या तुम जानती हो हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। व्हाट आर द वेदास, ये वेद क्या होते हैं। मैरी वंडर, मैरी को आश्चर्य हुआ। लेट अस फाइंड आउट, चलिए देखते हैं क्या होते हैं वेद। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, विश्व की प्राचीनतम ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण क्या, वेद। यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास, शायद आपने वेदों के बारे में सुना होगा, शायद का सुना ही होगा। देर आर फोर ऑफ देम, तो आप सभी जानते हैं चार वेद हैं, कहावत ये चार वेद है ना, द ऋग्वेदा यानी द ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। द ओल्डेस्ट वेद इज द ऋग्वेद, तो जब पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो है आपका ऋग्वेद, सबसे पुराना, ठीक है। इंक्लूड ऋग, फिर क्या है, कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स एगो, जो कब कंपोज्ड हुआ था यानी कब बना था, जिसकी खोज हुई कह सकते हैं 3500 साल पहले। द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स, हाइम्स का मतलब होता है सूक्त, ठीक है, इसमें करीब 1000 टाइम्स हैं। कॉल्ड सूक्ता और वेल सेड, और हाइम इंग्लिश में हाइम बोलते हैं और हिंदी में इनको सूक्त कहा जाता है, और सूक्त का मतलब होता है अच्छे से, वेल सेड, अच्छे से कहने योग्य या बोलने योग्य, अच्छे से बोला गया, ठीक है। दीज हाइम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेस, तो इन हाइम्स यानी सूक्त में क्या है, बहुत सारे देवी देवताओं की क्या है, स्तुति है, ठीक है। आर इन उनकी प्रार्थना है, थ्री गॉड्स आर एस्पेशली इम्पोर्टेंट, अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, इंद्रा। तो इन वेदों में तीन देवता मुख्य हैं, कौन कौन से, एक तो अग्निदेव और दूसरा गॉड ऑफ फायर, अग्निदेव को ही कहते हैं गॉड ऑफ फायर, अग्नि यानी आग के देवता, और दूसरे हैं आपके इंद्र, अ वरियर ऑफ गॉड यानी देवताओं के भगवान कह सकते हैं, एंड सोम, और तीसरे हैं सोम। तो सोम क्या है, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड, सोम एक तरह का पौधा है जिससे स्पेशल ड्रिंक यानी पेय पदार्थ बनाया जाता था। पहले ज़माने में ये पेय पदार्थ एक तरह से बहुत ज़्यादा यूज होता था, किस चीज़ में, मेडिसिन के रूप में, ठीक है, इसको पीने से लोग काफ़ी अच्छा फील करते थे, ताकतवर और स्वस्थ, कई सारी बीमारियों को भी ख़त्म करता था, इस तरह से सोमरस, सोमरस कहते थे इसको।
फिर क्या है, द हाइम्स वर कंपोज्ड बाई सेजेस, यानी कि जो सूक्त हैं वो साधुओं के द्वारा कंपोज्ड की जाती थी, है ना। पेरिस्ट टॉट स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोराइज, तो क्या है आज जैसे बच्चे लिख के पढ़ते हैं तो उस तरह से उन्हें पढ़ा नहीं जाता था, बल्कि टीचर डायरेक्ट ही, जो ऋषि मुनि थे वो डायरेक्ट अपने मुंह से बोलते थे और स्टूडेंट याद कर लेते थे सीधा ही, ठीक है। ईच सिलेबस, एक एक वर्ड को, ठीक है, वर्ड एंड सेंटेंसेस, एक एक शब्द वाक्य और सबसे छोटी इकाई सिलेबल को कह सकते हैं, बिट बाय बिट एक एक शब्द को वो क्या करते थे, याद कर लेते थे, ग्रेट केयर, बहुत ही अच्छी तरीके से। मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज्ड, तो ज़्यादातर जो सूक्त थे, हाइम्स थी, वो कंपोज्ड की गई थी। टॉट एंड लर्न बाय मैन, आदमियों के द्वारा पढ़ाई जाती थी और आदमियों के द्वारा ही सीखी जाती थी। अ फ्यू वर कंपोज्ड बाय वुमेन, कुछ महिलाओं के द्वारा भी बनाई गई थी, रची गई थी, लेकिन कह सकते हैं। द ऋग्वेद इज एन ओल्ड और वैदिक संस्कृत विच इज डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डेज, तो जो ऋग्वेद था वो लिखा हुआ तो संस्कृत में ही था, लेकिन जो संस्कृत हम आज स्कूल में पढ़ते हैं वो वेदों वाला संस्कृत इससे भिन्न था। जैसे अभी हम मेगा सूक्त भी पढ़ते हैं, उसमें कुछ इस तरह के लेटर बने हुए हैं जो हम अभी जो संस्कृत पढ़ते हैं उससे कुछ डिफरेंट है, उनका प्रोनंसिएशन भी डिफरेंट है, ठीक है। कई सारे वर्ड का प्रोनंसिएशन तो हमें पता भी नहीं है, ठीक है, लेकिन जिन्होंने थोड़ा अध्ययन किया है उन्हें पता है, ठीक है। इस तरह का एक वर्ड बनता है, मैं अभी आपको बताती हूँ, देखिए मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, शायद बन जाए। इस तरह का वर्ड होता है एक, इसको हम गम बोलते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको गम बोलते हैं, और मुझे नहीं लगता ये किसी ने पढ़ा होगा, और पढ़ा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों ने इस तरह का वर्ड पढ़ा है। तो ये सेम इसी तरह का है, तो ये वेदों की भाषा है, क्योंकि इसका मतलब मुझे पता था इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। बाकी कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो मुझे भी नहीं पता, ठीक है, क्योंकि वेदों की भाषा समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन ये वर्ड मुझे पता है, मैं जो सूक्त पूजा में पढ़ती हूँ उसमें, तो उसका मतलब पता है इसलिए मैं इसको बता रही हूँ आपको। तो इसको क्वम कहते हैं, ठीक है। और भी कुछ वर्ड हैं तो यदि आपको इस बारे में कुछ पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मुझे भी पता चलेगा, आप उसमें सीखेंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं हम, कि क्या है संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, तो संस्कृत और अन्य भाषाएं, ठीक है। संस्कृत इज पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नॉन एज इंडो यूरोपियन, तो संस्कृत जिस परिवार की भाषा है वो किस परिवार से है, इंडो यूरोपियन भाषा कहते हैं जिसे हम, उस परिवार की भाषा क्या है, संस्कृत। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज आसामीज, गुजराती, हिंदी, काश्मीरी एंड सिंधी एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन, तो इनको इस परिवार की भाषा क्यों कहा जाता है, जैसे इसको इंडो यूरोपियन भाषा कहा गया है, या इसको यूरोपियन, फ्रेंच, जर्मन, ये सारे इनको एक्चुअली परिवार की भाषा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें कुछ कुछ वर्ड क्या है, सिमिलर होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह, डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटी, तो किस तरह से देखते हैं हम, नोटिस करते हैं। अदर लैंग्वेज यूज्ड इन सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज, तो ये जो हमारा उपमहाद्वीप है उसमें बहुत सारी भाषाएं प्रयोग होती हैं, और उनके वर्ड कैसे होते हैं देखिए। फॉर इंस्टेंस दोज यूज्ड इन नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बत बर्मन फैमिली, तिब्बत बर्मन फैमिली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम बिलोंग टू द्रविड़ियन फैमिली, तो ये जो भाषाएं हैं कौन सी नॉर्थ ईस्ट में जो प्रयोग होती हैं उनको क्या कहते हैं, तिब्बत बर्मन फैमिली, और जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम हैं इनको कहते हैं द्रविड़ियन फैमिली, ठीक है। एंड द लैंग्वेज स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, तो झारखंड में जो भाषा प्रयोग होती है उसको ऑस्ट्रो एसेटिक फैमिली की भाषा कहा गया है। अब हमें क्या करना है, लिस्ट द लैंग्वेज यू हैव हर्ड अबाउट एंड ट्राई एंड आइडेंटिफाई द फैमिलीज टू विच दे
बिलोंग। तो आपको यहाँ लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है कि यदि आपको जिन भाषाओं का ज्ञान है, जानते हैं कुछ, तो उनके बारे में लिस्ट बनाइए और देखिए कि उनमें क्या क्या वर्ड सिमिलर हैं। ठीक है, द बुक्स वी यूज्ड आर रिटन एंड प्रिंटेड। तो जो किताबें हम प्रयोग करते हैं वो लिखी हुई होती हैं और प्रिंटेड होती हैं। द ऋग्वेद वॉज रिसाइट एंड हर्ड रेदर देन रीड। तो जो ऋग्वेद था हमारा वो याद किया जाता था और सुना जाता था पढ़ने की जगह, ठीक है, पढ़ा नहीं जाता था जैसा कि मैंने बताया। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल कंट्रीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज्ड। हालांकि इसका फर्स्ट पहले एक बार कंपोज होने के बाद फिर तो कई सारी कंट्रीज में लिखा जाने लगा। एंड प्रिंटेड लेस देन 200 years एगो। और करीब 200 साल पहले इसका प्रिंट, पहला प्रिंट हुआ था, प्रिंट पाया गया है, ठीक है, 200 साल पहले। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद। तो जो हिस्टोरियन होते हैं यानी कि इतिहासकार होते हैं वो ऋग्वेद को किस तरह से पढ़ते हैं। हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि इतिहासकार जैसे पुरातत्वविद, ठीक है, फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेंस। तो वो पास्ट किस तरह से फाइंड करते हैं, जो मटेरियल कुछ बचा खुचा रहता है उसमें से। दे एग्जामाइन रिटेन सोर्स एज वेल, लेट अस सी हाउ द स्टडी ऑफ ऋग्वेद। चलो देखते हैं किस तरह से ऋग्वेद की स्टडी। सम ऑफ द हाइम्स द ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, द पार्ट्स ऑफ वन सच हाइम अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्र एंड टू रिवर्स ब्यास एंड सतलुज दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेस। तो यहाँ कुछ जो हमारे विश्वामित्र नाम के ऋषि थे उनका नदियों के बीच जो वार्तालाप होता है उसको यहाँ दिया गया है कि वो किस तरह से उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और ये है अ पेज फ्रॉम अ मैनुस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद। तो ये यहाँ आप पेज देख पा रहे होंगे, ये मैनुस्क्रिप्ट है किसका, ऋग्वेद का, ठीक है। और आप जानते हैं मैनुस्क्रिप्ट आपका लिखा जाता है वर्षवाक, जो पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। और ये कहाँ फाउंड हुआ था, वॉज फाउंड इन कश्मीर में मिला था अबाउट 150 years एगो, करीब 150 साल पहले। इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेदा एज वेल एज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन। इट इज़ नाउ प्रिजर्व इन अ लाइब्रेरी इन पुणे महाराष्ट्र। और अब ये महाराष्ट्र की पुणे की लाइब्रेरी में संभाल कर रखा गया है, ठीक है। तो ये विश्वामित्र और नदियों के बीच का जो वार्तालाप है उसको हम पढ़ भले ही लें, लेकिन कुछ ऐसा मतलब नहीं है इसमें पढ़ने का, इसलिए आप चाहें तो पढ़ सकते हैं लेकिन कुछ इसमें है नहीं। और आगे क्या देखते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं कि कैटल हॉर्स एंड चैरियट्स। तो जो आपके वो थे कैटल यानी मवेशी और हॉर्स यानी घोड़े और चैरियट यानी रथ। तो देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल चिल्ड्रन स्पेशली सन्स। तो ऋग्वेद में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जो मवेशियों के लिए की जाती थी और या फिर और बच्चों के लिए, स्पेशली बेटे के लिए। एंड हॉर्सेस वर योग्ड टू चैरियट दैट वर यूज्ड इन बैटल। तो युद्ध में घोड़ों का काम आप जानते हैं रथ खींचने के लिए यूज किया जाता था। विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल बैटल वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड। और युद्ध किस तरह किस लिए होते थे, जानवरों के लिए होते थे और खेती के लिए भी होते थे, तो इसमें कुछ खास नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। बैटल वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड विच वर इम्पोर्टेंट फॉर पास्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट रिपेन क्विकली सच एज वर्ली। सम बैटल वर फॉट फॉर वाटर, कुछ युद्ध पानी के लिए भी होते थे, एंड टू कैप्चर पीपल, और लोगों के लिए और लोगों को पकड़ने के लिए, है ना। सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेंड वॉज कैप्ट बाई द लीडर, सम वॉज गिवेन टू द पेरिस्ट एंड द रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। सम वेल्थ वॉज यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ यानी कि यज्ञ सेक्रीफाइसेस इन विच ऑफरिंग वर मेड इन टू द फायर।
दीज वर मीन्ट फॉर गॉड्स एंड गॉडेस ऑफरिंग. इसमें कुछ खास है नहीं तो आपकी समझने के लिए. वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, तो चलिए फिर आगे देख ले. तो यहाँ वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल यानी कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो लोगों के बारे में बताते थे कि लोग कैसे क्या क्या होते थे. देर आर सेवरल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ द वर्ड दे डू, द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू, देयर फैमिली. यानी कि क्या बताते थे कि कैसे उनके भाषा के आधार पर वो कैसे हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, कैसे लोगों के साथ रहते हैं, किस स्थान पर रहते हैं, उनका परिवार क्या है, ये किस तरह की कम्युनिटी कल्चर. तो इस तरह के वर्ड बताते थे कि लोग कैसे थे. लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन ऋग्वेद. तो चलिए देखते हैं ऋग्वेद में लोगों को डिस्क्राइब यानी बताने के लिए किस तरह के शब्द यूज किए गए हैं. देर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स इन देयर वर्क. तो यहाँ दो शब्द हैं जो लोगों को बताते हैं कि लोग किस तरह के थे. द पेरिस्ट, पेरिस्ट यानी कि पुजारी, समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण. पेरिस्ट इनको पुरोहित कह सकते हैं और कभी कभी इनको ब्राह्मण भी कहा गया है. ठीक है, ब्राह्मण पुरोहित ब्राह्मण ही होते थे वैसे, आप अभी भी होते हैं. तो ये वेदों से ही इनको माना गया है. हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल एंड द राजास. तो जो बहुत सारे राजाओं के क्या थे, धार्मिक कर्म कृत्य किया करते थे. हाँ तो क्या था ये, पहले तो कौन थे, प्राइस्ट यानी कि पुजारी, और दूसरे कौन थे, राजा, समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण. ये हम पढ़ चुके हैं. जो पुरोहित थे उनको ब्राह्मण कहते थे. और दो तरह के लोग थे, यहाँ दो तरह के लोग बताए गए ना, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द बताए गए थे. दो तरह के लोग थे. द राजास वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर. दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज प्लेस और आर्मीज. जो राजा थे उनके पास बहुत ज़्यादा धन या आर्मी नहीं होती थी. नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्स, और ना ही वो टैक्स कलेक्ट करते थे. ये ऋग्वेद की बात हो रही है. जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजास. और सामान्यतः देखा जाए तो उनके जो पुत्र होते थे उन्हें अपने आप ही राजा नहीं बनाया जाता था. ठीक है, ऋग्वेद में ऐसा नहीं था कि पिता के बाद पुत्र अपने आप ही राजा बन जाएगा, तो ऐसा नहीं था. ठीक है, फिर क्या है. रीड द प्रीवियस सेक्शन एंड मोर एंड सी वेदर यू कैन फाइंड आउट व्हाट द राजा स्टेट. तो ये आप लोग फाइंड कीजिए. ये क्या है, इन किताबों बीच बीच में इस तरह के क्वेश्चन में पहले बता चुकी हैं, इसलिए डाल रखे हैं ताकि बच्चों को उनकी स्कूली जीवन को, स्कूली लाइफ को बाहरी लाइफ से या उनकी जो रियल लाइफ है बाहर उससे कनेक्ट किया जा सके. ठीक है, इसलिए बुक्स इस तरह से बनाई गई हैं. टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी. आप भी ऐसा करेंगे ना, मुझे लगता है हम चाहे जितने बड़े हो जाएं फिर भी यदि कुछ पढ़ रहे हैं उसको अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ें और कुछ करें तो वो चीज़ हमें याद रहती हैं और समझ में आती हैं फिर. ठीक है, तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे थे. टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल. वन वाज द वर्ड जना. तो यहाँ जो दो वर्ड यूज किए गए हैं, पहला क्या वर्ड है, जन. जन शब्द किसके लिए यूज होता था. विच वी स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेज. जन शब्द हम आज भी हिंदी में प्रयोग करते हैं. द अदर वाज विश, और दूसरा था विश. द वर्ड वैश्य, जो विश शब्द था वो वैश्यों के लिए यूज होता था. कम्स फ्रॉम विश, विश शब्द से ही वैश्य आया है. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 6. तो अभी इसके बाद हमारा चैप्टर 6 आएगा, उसके बारे में हम और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे. तो सेवरल विश और जना आर मैंशनड बाई नेम. सो वी फाइंड रेफर्स टू द पुरु. जना और विश तीन तरह के लोग थे, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले. द भरत जन और विश, द युदु जन और विश एंड सो ऑन. तो ये शब्द होते, ये किसके लिए यूज किए जाते थे, क्वेश्चन था कि हमारे उसमें पुरु जन विश ये शब्द किस लिए यूज किए गए हैं. तो ये यूज किए जाते थे लोगों के लिए. ठीक है, फिर है डू एनी दीज नेम्स साउंड फैमिलियर. तो और भी कुछ ऐसे फैमिलियर साउंड है इन नामों में. समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज
आर्यास एंड कॉल्ड देयर कॉम्पोनेंट्स दासास और दस्यूज. दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस. तो जो लोग यज्ञ नहीं करते थे उनको दास कहा जाता था. एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज और वो उनकी वो अलग भाषा भी अलग बोलते थे. लेटर बाद में द टर्म दासा एंड द फेमिनाइन दासी. उसके बाद क्या हुआ जो दास शब्द था और स्त्रियों के लिए दासी कम टू मीन स्लेव यानी जो गुलाम शब्द में देखो दास दासी को किस शब्द में परिवर्तित हो गई गुलाम शब्द कहा जाने लगा. स्लेव्स वर वुमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वार. तो जो गुलाम थे वो युद्ध के समय पकड़ लिए जाते थे. दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी और उन्हें अपनी प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति की तरह प्रयोग किया जाता था ट्रीट किया जाता था ठीक है. ऑफ देयर ऑनर उनके ऑनर के द्वारा यानी उनकी जो क्या कहें ऑनर मतलब राजा नहीं राजा कह सकते हैं या उनके जिन्होंने पकड़ा था राजा ही कह सकते हैं ठीक है. हु कुड मेक देम डू वट एवर वर्ड दे वॉन्टेड और उसके बाद वो जो भी शब्द चाहें बुला सकते थे. वाइल द ऋग्वेदा वाज बींग कम्पोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट देयर वर अदर डेवलपमेंट्स ऑल्सवेयर लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज. तो फिर है साइलेंट सेंटिंग्स द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ. अब यहाँ पे हम मेगालिथ की कहानी के बारे में पढ़ेंगे. तो साइलेंट सेंटिनल्स यानी कि खामोश प्रहरी द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ यानी कि मेगालिथ मतलब होता है महापाषाण ठीक है. तो यहाँ महापाषाण की कहानी अब हम पढ़ेंगे. लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज. अब यहाँ नेक्स्ट पेज में कुछ दिखाया जाएगा पिक्चर. दीज स्टोन्स बिल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ. तो ये जो पत्थरों के बनी हुई चीज़ें क्या कह मेगालिथ कहलाती थी. लिटरली बिग स्टोन कैसे कैसे पत्थर होते थे ये बहुत बड़े बड़े पत्थर होते थे. दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज टू मार्क बरियल साइट्स. और ये बड़े बड़े पत्थर लोगों के द्वारा अरेंज किए जाते थे कहाँ पर बरियल साइट जो क्या कह सकते कब्रिस्तान कह सकते हैं वहाँ पे. द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगेन अबाउट 300,000 ईयर्स एगो एंड वाज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द डेक्कन साउथ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर. तो ये पत्थर कहाँ पर कब्रों को दफनाया जाता था उनके ऊपर रख दिया जाता था ताकि पहचान हो सके कि यहाँ कोई कब्र दफनाई गई है. सम इम्पोर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर शोन ऑन मैप टू पेज नंबर 14. तो हम पहले देख चुके हैं पेज नंबर 14 में. वाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस अदर मेगालिथ बरियल्स आर ऑफन अंडरग्राउंड. समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बिल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. देयर आर द ओनली इंडिकेशंस दैट देयर आर बरियल्स बीनीथ. तो ये किस लिए होते थे कई कई जगह तो इस तरह से गोल गोल सजा सजा के आप देख पा रहे होंगे बनाए जाते थे पत्थरों से और कई जगह सिर्फ एक ही पत्थर खड़ा कर देते थे बड़ा सा पत्थर खड़ा कर देते थे. किस लिए ये पहचान करने के लिए कि इसके इसके क्या है इस जगह पे कोई कब्र है ठीक है. टॉप द टाइप्स ऑफ मेगालिथ इज नॉन एज सिट्स. सम सिस्ट लाइक द वन शोन हियर हैव पोर्ट होल विच कुड बी यूज एज एन एंट्रेंस. तो यहाँ ये इसी के बारे में बता रहे हैं कि इस तरह की होती थी कुछ साइट्स होती थी यहाँ होल बना हुआ था और कब्रों में क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं ये डैगर यानी कि ये जो कटार है एक्सेस कुल्हाड़ी और हॉर्स इक्विपमेंट जो घोड़ों के नाल कह सकते हैं जिन्हें हम ये सारी चीज़ें भी उन्हें मिली हैं. इससे पता चलता था कि कब्र में फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस. तो अब यहाँ क्या है कुछ सामाजिक अंतर कह सकते हैं उनके बारे में बताया जाएगा. आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद अ स्केल्टन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन. समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अदर. तो जो आपके पुरातत्वविद थे आर्कियोलॉजिस्ट थे
उन्हें क्या था, कब्रों के साथ में जो सामान मिलता था उसके अनुसार वो पता लगाती थी कि जिसके साथ ज़्यादा सामान मिल रहा है वो पैसे वाला होगा और जिसके साथ कम मिल रहा है तो वो थोड़ा गरीब होगा, है ना। फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2 पेज नंबर 14। हियर वन स्केल्टन वाज बरीड विथ 33 गोल्ड बीड्स। तो यहाँ बता रहे हैं कि एक जो कब्र मिली थी उसके साथ 33 क्या थी, गोल्ड की बीड्स मिली थी और 2 स्टोन बीड्स मिली थी, 2 कॉपर बेंगल्स और 1 कॉन्च शेल और अदर स्केल्टन। और दूसरा जो स्केल्टन यानी कि क्या, यही स्केल्टन यानी हड्डी को ढांचा जो होता है वही, हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स, उसके साथ सिर्फ कुछ पॉट्स ही मिले थे, ठीक है। दिस फाइंड सजेस्ट दैट देयर वाज सम डिफरेंस इन स्टेटस अमंगस्ट द पीपल हु वर वरीड, सम वर रिच अदर पुअर, सम चीफ्स अदर फॉलोअर्स। तो यही इसी तरह से उन्हें पता लगा कि कुछ गरीब थे, कुछ अमीर थे, कुछ चीफ थे और कुछ उनके फॉलोअर थे, राजा कह सकते हैं, दास कह सकते हैं। वर सम वरियल स्पॉट्स मीन्स फॉर सर्टेन फैमिलियर्स। तो यहाँ पे फिर तो ये जो इस तरह की आपकी वो कुछ कब्रगाहें क्या थी, कुछ परिवारों के लिए होती थी, मतलब एक परिवार के लोग एक ही कब उसमें दफनाए जाते थे, ठीक है। समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन 1 स्केल्टन, कुछ जगह पे एक से ज़्यादा आपको कंकाल, स्केल्टन मतलब कंकाल, देखिए दिमाग से जैसे शब्द निकल रहा था, स्केल्टन का मतलब होता है कंकाल मिले थे एक जगह से ज़्यादा। दीज इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वर वरीड इन द सेम प्लेस दो नॉट एट द सेम टाइम। वो एक ही परिवार से थे लेकिन एक समय पे नहीं, उनकी मृत्यु एक समय पे नहीं हुई होगी। द बॉडीज ऑफ द हुज डाइड लेटर वर ब्रॉट इन टू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि ये हम पढ़ रहे थे ना इसके बारे में, तो यहाँ एक होल बनाया गया था उसके द्वारा ले जाया जाता होगा, दफनाया जाता होगा बाद में, क्योंकि जो बाद में मरते थे लेकिन क्या था, फैमिली एक ही थी इसलिए उसी कब्र में दफनाया जाता था लेकिन बाद में, ठीक है। फिर क्या था, अ स्पेशल वरियल एट इनाम गांव। तो इनाम गांव के स्पेशल वरियल के बारे में हम देखते हैं। फाइंड इनाम गांव ऑन मैप 2। इनाम गांव हम पहले के चैप्टर में देख चुके हैं 2 मैप में, ये उसी मैप के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चलिए देख ही लेते हैं एक बार, ये पेज 2 कई बार आ चुका है तो हम देखते हैं कि कहाँ पर। तो ये है आपका इनाम गांव, कहाँ पर है, ये रहा साउथ में, ठीक है। और कुछ नहीं, बस इतना ही, आप मैप देख लीजिए और समझ लीजिए और इस मैप को सेव कर लीजिए, इसमें जहाँ जहाँ यूज हुआ है यहाँ कुछ वो मिले हैं। तो यहाँ क्या था, इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर गॉड, अ ट्राइब्यूटरी ऑफ भीमा। तो ये जो गॉड रिवर थी वो किसकी, भीमा नदी की ट्राइब्यूटरी थी। इट वाज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स एगो, हियर एडल्ट्स वर जनरली वरीड इन द ग्राउंड, लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवार्ड्स द नॉर्थ। और इनको जब दफनाया जाता था तो उनका सिर कहाँ रखा जाता था, नॉर्थ की तरफ रखा जाता था, ठीक है। समटाइम्स वरियल वर विद इन द हाउसेस, और कभी कभी घरों के अंदर ही दफना दिया जाता था। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड, और कुछ बर्तन रखे जाते थे जिनमें पानी और खाना होता था जो मरे हुए लोग थे उनके साथ रख दिया जाता था। वन मैन वाज फाउंड वरियल इन अ लार्ज फोल्ड लैक्ड क्ले जार इन द कोर्टयार्ड ऑफ अ 5 रूम्ड हाउस, वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस एट द साइट इन। तो फिर क्या था, द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी, द बॉडी वाज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन। तो यहाँ बता रहे हैं कि ये एक बॉडी मिली थी जो पैरों को मोड़ के दफनाई गई थी, उनके अनुसार ये कोई सरदार हो सकता है,
ठीक है। फिर है आपका व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल अस, तो जो आपके कंकाल थे उनकी स्टडी हमें क्या बताती है, क्या कहती थी। इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज, तो छोटे स्केलेटन से हम पता लगा सकते हैं कि ये किसी बच्चे का होगा। हाउ एवर देयर आर नो मेजर डिफरेंस इन द वॉन्स ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय, लेकिन महिला और पुरुष की वॉन्स में ज़्यादा अंतर नहीं होता था। कैन वी मेक आउट वेदर अ स्केलेटन वाज दैट ऑफ अ मैन और अ वूमेन, तो हम ये किस तरह से पता लगा सकते हैं। समटाइम्स पीपल डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वॉट इज फाउंड विद द स्केलेटन, फॉर इंस्टेंस इफ़ अ स्केलेटन इज़ फाउंड विथ ज्वेलरी, तो कभी कभी लोग ज्वेलरी के बेस पे पता करते थे। इट इज़ अ समटाइम्स थॉट टू बी दैट ऑफ अ वूमेन, वो सोचते थे जिसके साथ ज्वेलरी मिली है तो वो महिला होगी। हाउ एवर देयर आर प्रॉब्लम विथ दिस, ऑफन मैन ऑल्सो वोर ऑर्नामेंट्स, लेकिन कभी कभी लेकिन इसको सही नहीं माना गया क्योंकि पुरुष भी उस समय गहने पहना करते थे। ठीक है, अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ अ स्केलेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर, द हिप ऑफ द पेल्विक एरिया ऑफ वुमेन इज जनरली लार्जर टू एनेबल चाइल्ड बियरिंग, तो ये जो सेक्स था मतलब कौन महिला है कौन पुरुष है, इस चीज़ को फाइंड करने का एक आसान तरीका ये था कि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं इसलिए उनका जो कमर का हिस्सा होता है वो ज़्यादा चौड़ा होता है, इस तरह से फाइंड किया जाता था कि ये महिला है और ये पुरुष है। दीज डिस्ट्रिक्शंस आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केल्टन स्टडीज़, और ये किस चीज़, ये जो मॉडर्न स्केल्टन स्टडीज़ है उस पर आधारित है। अबाउट 2000 ईयर्स एगो देयर वॉज अ फेमस फिजिशियन नेम्ड चरक, तो 2000 साल पहले एक फिजिशियन चरक नाम के फिजिशियन थे, हु रॉट अ बुक ऑन मेडिसिन नोन एज चरक संहिता, जिन्होंने एक किताब लिखी थी जिसको चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। देयर ही स्टेट्स दैट द ह्यूमन बॉडी हैज 360 बोन्स, और वहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स होती हैं। दिस इज़ अ मच मच लार्जर नंबर देन द 200 बोन्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न एनाटॉमी, तो आज का देखा जाता है उसके अनुसार ये संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो हो सकता है चरक अराइव्ड एट दिस फिगर बाई काउंटिंग द टीथ जॉइंट्स एंड कार्टिलेज, तो उन्होंने हड्डियों की संख्या इतनी शायद इसलिए बताई होगी क्योंकि उन्होंने टीथ को भी और जो जॉइंट्स होते हैं और कार्टिलेज होते हैं उनको भी उसमें काउंट कर लिया होगा। हाउ डू यू थिंक ही फाउंड आउट अबाउट द ह्यूमन बॉडी इन सच ग्रेट डिटेल्स, तो ये बच्चों को सोचना है कि आप जो भी पढ़ रहा है उसको सोचना है कि कैसे खोजते होंगे फाउंड करते होंगे। ऑक्यूपेशन एट इनामगाम, तो अभी हमने इनामगाम देखा साउथ साइड है, तो वहाँ का ऑक्यूपेशन जो था कैसा था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ वीट, तो जो आपके पुरातत्वविद हैं उन्होंने कुछ गेहूं के दाने, जौ, चावल, दालें, ज्वार, मटर और सीसम और वॉन्स ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स, तो इस तरह की ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी। कट मार्क्स ऑफ द शो दैट मे हैव बीन यूज्ड एज अ फूड, ये सारी चीज़ें क्या है लोग खाने के लिए प्रयोग करते थे। हैव ऑल्सो बीन फाउंड, दीज इंक्लूड्स कैटल, बफेलो, गॉड, शीप, डॉग, हॉर्स, आस पिग और सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटलोप, हेयर एंड मैंगूस, तो ये सारे जानवर उन्होंने मिले थे। बिसाइड्स वर्स क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश, कुछ जली जीव भी मिले थे उनकी हड्डियों के बीच में। देयर इज एविडेंस दैट फ्रूट्स सच एज बेर, आमला, जामुन, डेट्स एंड वैरायटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड, और कुछ फ्रूट के बीज मिले होंगे जिसके आधार पर उन्होंने पता लगाया कि इस तरह के चीज़ों को लोग कलेक्ट करके रखा करते थे और खाया करते थे। ठीक है, फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लेते हैं। फाइंड चाइना इन योर एटलस, तो आप सभी जानते हैं चाइना, हम यदि एटलस देखते हैं मैप देखते हैं तो कहाँ है। अराउंड 35 ईयर्स एगो, करीब 3500 साल पहले, वी फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ रिटन इन चाइना,
हमने पहला एविडेंस जो लिखित रूप में था चाइना में मिला हमें, दिस रिटर्न वर ऑन एनिमल बोन्स, जो कहाँ लिखा हुआ था, एनिमल की हड्डियों पे। दीज आर कॉल्ड ऑर्कल बोन्स, इन्हें ऑर्कल बोन्स कहा जाता था बिकॉज दे वर यूज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, क्योंकि ये भविष्य देखने के लिए प्रयोग किए जाते थे। किंग गॉट स्क्राइब्स टू राइट क्वेश्चन ऑन द बोन्स, तो जो राजा लोग थे, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, राजा लोग थे वो इन हड्डियों पे अपने प्रश्न लिखा करते थे, ठीक है। वुड दे विन बैटल, वुड दे हार्वेस्ट वी गुड, वुड दे हैव सन्स, यानी कि वो युद्ध में जीतेंगे या नहीं, उनकी फसल अच्छी होगी या नहीं, उन्हें पुत्र प्राप्ति होगी या नहीं। द बोन्स वर देन पुट इन टू द फायर, और फिर उसके बाद उस बोन पे सारे प्रश्न लिखने के बाद उसे अग्नि में, आग में डाल दिया जाता था। एंड दे क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट, और फिर आग के कारण वो क्या है, ये यहाँ क्रैक दिख रहा होगा निशान, क्या होता था, क्रैक चटक जाती थी, ठीक है। एंड ट्राइड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, और फिर इस जहाँ ये चटकती थी उसके आधार पर जो आपके पुजारी लोग थे, पुरोहित थे, वो फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करते थे, अनुमान लगाते थे कि क्या है। एज यू मे एक्सेप्ट दे समटाइम्स मेड मिस्टेक, हो सकता है आप लोगों को कभी कभी गलतियाँ भी उनसे होती होंगी। दीज किंग्स लिव्ड इन प्लेस इन सिटीज, दे अमेस्ट वास्ट क्वान्टिटीज ऑफ वेल्थ इंक्लूडिंग लार्ज एलेबोरेटली डेकोरेट ब्रॉन्ज वेसल, हाउएवर दे डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ आयरन, तो वो जो राजा थे उस समय के, उन लोगों के पास काफ़ी सारा पैसा होता था, धनी होते थे, और क्या थे, ब्रॉन्ज वेसल उनके पास होते थे, लेकिन उस समय के लोग आयरन यानी लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे, ठीक है। फिर ये इमेजिन करने के लिए ये आपके कीवर्ड हैं, तो ये बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें याद करने के लिए हैं, कुछ ऐसा खास है नहीं, कीवर्ड जो आए हुए हैं वही। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें हमें मैच करना है। तो सूक्त अभी हमने ऊपर पढ़ा, सूक्त का मतलब होता है वेल सेड, अच्छी तरह से कहा गया, है ना। चैरियट्स कहते हैं रथ को, और यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस यज्ञ, दास का मतलब होता है स्लैब, मेगालिथ होता है स्टोन बिल्डर बड़ा पत्थर, और आपका चैरियट्स हो गया रथ यानी जो युद्ध में यूज होते थे, ठीक है। तो इस तरह से हम मैच कर लेंगे, फिर इनको ऊपर आपने चैप्टर पढ़ा है, सुना है, उसके आधार पर अब थोड़ा सा होमवर्क आपके लिए, ये आप फिल करके दीजिए, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। आपके कमेंट नहीं आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्या है आंसर, लेकिन कमेंट बॉक्स में पूछें ज़रूर, ताकि मुझे भी लगे हाँ कोई तो है इंटरेस्टेड पढ़ने में, जानने में, और मुझे लगता है पढ़ना चाहिए थोड़ा सा, इससे क्या है कुछ नहीं, फ्री बैठे हैं तो नॉलेज ही मिलता है, और हम अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं पढ़ाने में। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ कुछ नहीं, बच्चों को ना इंग्लिश बोलने का थोड़ा मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो इंग्लिश बोलना सीखें, और ये सारी चीज़ें भी डिस्कस वगैरह करना, हम घर में मान लीजिए गलत भी बोलते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत है गलत ही सही, लेकिन बोलें तो सही, हिंदी भाषा हम कैसे सीखें बोल बोल के सुन सुन के। तो यहाँ भी आपकी एनसीईआरटी बुक्स की लैंग्वेज इतनी ईजी रहती है कि आप यदि ऐसे बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो 21 दिन लगातार बोलेंगे तब भी आप सीख जाएंगे, और बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तब, लेकिन थोड़ी थोड़ी भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, एक वीडियो देख के उसका पूरा समझ के, तो आपकी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है आप कितना मतलब सीखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप सीख सकते हैं। तो चलिए यहीं समाप्त करते हैं वीडियो, धन्यवाद।